टीनेजर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि उनको कुछ समझाने जाओ तो उनको लगता है कि उनको सारी चीजें पहले से ही पता है कि नहीं, क्योंकि यू आर बिलोंग टू ऑल इंग्लिश मीडियम से नॉट, बहुत सारे पेरेंट्स आपके शायद पढ़े लिखे भी नहीं रहेंगे, इंग्लिश मीडियम आता भी नहीं रहेगा, कुछ कुछ पेरेंट्स हैं जो शायद हाईली क्वालिफाई रहेंगे, ओके सो बच्चों को क्या लगता है कि हम लोग आपसे ज्यादा सुन रहे हैं, हमको ज्यादा अच्छे से पता है क्योंकि आज के हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमको सारी चीजें सिखा देते हैं, है कि नहीं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है और आपके जनरेशन का बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमको सब है कि नहीं। तो ऐसे वक्त में अगर कुछ अच्छी चीजें आपको हम लोग बताना चाहें तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे दिमाग में नहीं जाता, क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड बन गया है कि हमको सब आता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, गूगल बाबा है जो हमेशा आशीर्वाद देता है, कुछ भी सर्च करो सारे आंसर्स मिल जाते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि डिजिटल जैसे जैसे इंडिया होता जा रहा है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम्स भी वैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले चोरियां कैसे हुई करती थी, हम लोग बस में चढ़ रहे हैं तो कहीं पीछे पीछे से किसी ने क्या कर लिया, पॉकेट मार लिया, है कि नहीं। पर्स लेके जा रहे हैं तो कहीं पे वहां पे ब्लेयर मार के, तो चोरियां ऐसी होती थी पहले, यस और नो, लेकिन अभी चोरियां कैसे होती है, हाँ कोई हरियाणा में बैठा है, कोई गुड़गांव में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, वहां से वो लैपटॉप से कुछ ऑपरेट कर देता है, एक हाथ मैसेज एक हाथ लिंक आपको भेजता है, आप उसको ओपन करते हो और आपका अकाउंट चोरी हो गई। तो हाईटेक होता जा रहा है ना सारी चीजें, तो वैसे वैसे हमको हमारा नॉलेज भी क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, है कि नहीं। सॉफ्टवेयर आता है कि नहीं अपग्रेड करने के लिए, आपको बार बार मोबाइल में आता है, हर एक चीज में आता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करो, आप लोग अपडेट करो, ओके। तो वैसे ही हमको भी थोड़ा बहुत अपडेट होना जरूरी है। देखिए अभी आप बहुत छोटे हो, ओके, आपको थोड़ा और टाइम लगेगा सारी चीजों को समझने में, लॉ को समझने में, है कि नहीं। लॉ को समझने के लिए ऐसे बोला जाता है कि कौन सा एज सही माना जाता है, जब आप 18+ हो जाए, है ना, 18 कंप्लीट हो जाओगे तो आप क्या बन जाते हो, इंडियन सिटीजन हो जाते हो। आपको कौन सा राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, यस और नो, लास्ट 18+ होने के बाद सबको क्या मिलता है, वोट करने का राइट मिल जाता है। बट बिफोर दैट, ओके, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए एक अच्छा डिसिप्लिन होना जरूरी है, एंड उसके साथ साथ एक थोड़ी बहुत लॉ की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। बाइक भगाना अच्छी बात है, लॉ में है, ओवर स्पीड करना विदाउट हेलमेट, तो ये थोड़े थोड़े जो लॉज है आप सबको पता है, सिग्नल्स सबको पता है, कौन सा सिग्नल लगेगा तो कहाँ जाना चाहिए, जूनियर सीनियर के लिए से आपको सिग्नल सिखाए जाते हैं, ये सुनो। तो ये छोटे छोटे जो लॉज है ये आपके डिसिप्लिन के पार्ट है, ओके, और यही डिसिप्लिन बनकर फिर बाद में लॉ को संभालने के लिए फिर किसको बनाया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट को बनाया गया, ओके। जब हम लोग पुलिस स्टेशन में काम करते हैं तो एट दैट टाइम हमको बहुत सारे ऐसे क्राइम दिखाई देते हैं जो आप लोगों से रिलेटेड, बच्चों के साथ क्राइम होता है, फिजिकल अब्यूज होते हैं बच्चे, होते हैं, ओके। सो जब बच्चों से रिलेटेड क्राइम हमारे पास पुलिस स्टेशन में आते हैं, एट दैट टाइम हमको कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों को ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि व्हाट इज फिजिकल क्राइम। क्या आप सबको पता है, कोई बता सकता है किसी को भी अपने लैंग्वेज में जो भी पता है, फिजिकल अब्यूज किसको कहा जाएगा, टीजिंग करना, किसी को टीज करना, बैड वर्ड्स, अब्यूजिंग है बैड वर्ड्स, यस और नो, यस, ओके। फिजिकली किसी को टच करना गलत तरीके से, प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाना, दे ऑल आर पार्ट ऑफ फिजिकल अब्यूजिंग। अच्छा, आप जब सब छोटे थे तो आपको गुड टच बैड टच सबको सिखाया गया है, सबको आता है गुड टच बैड टच, चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ओके। सुबह सुबह आपके लिए मम्मी ने टिफिन पैक किया, आप फटाफट बैग पैक कर रहे हो, टिफिन पैक किया, बैग लिया, आप घर से बाहर निकल रहे हो, उसके पहले मम्मी ने आपको टाइट हग किया और किस किया, गुड टच और बैड टच, शाम को आप पढ़ाई कर रहे हैं, पापा थक हार के घर पर आ गए, हाथ मुंह धो के बैठे हैं, आप पापा के पास गए,
पापा ने आपको किस किया? गुड टच और बैड टच? गुड टच। ओके, आप दुकान में गए हो, कुछ सामान ले रहे हो, एक अंकल आपके बाजू में आते हैं और आपके पीठ पे हाथ देगा। मतलब एवरीवन नो द गुड टच किसको कहा जाता है और बैड टच किसको कहा जाता है। समटाइम कभी कभी गलती से हाथ लग सकता है, ओके, लेकिन फील होता है ना कि ये गलती से लगा है। चलते चलते किसी का गलती से हाथ लगता है, गलती से कोई आपको धक्का मार के जाता है, तो वो गलती है। बट जानबूझकर करना इट्स अ क्राइम, है ना? कोई जानबूझ के इस तरीके से आपको टच नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई अनवांटेड टच आपको करता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसको बताना चाहिए? पेरेंट्स को बताना चाहिए। चलो, कभी कभी डर लगता है पेरेंट्स का, किसी के पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं हिटलर की तरह, है कि नहीं? या फिर मम्मी स्ट्रिक्ट होती है कि सीधा बेलन उठा के मारना शुरू, बराबर। तो ऐसे वक्त में अगर पेरेंट्स से डर लगता है तो आप किसको बताएंगे? टीचर को बताएंगे। वेरी गुड। ओके, स्कूल में कोई ना कोई ऐसी एकाध टीचर हमारे रहती है जो हमारी बहुत फ्रेंडली रहती है, अच्छी रहती है, अच्छे रहते हैं, तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं? ये चीजें शेयर कर सकते हैं। या फिर आपके कोई भी रिलेटिव जिनके साथ आपकी बनती है, जैसे मासी है, मामा है, चाचा है, फूफा है, कोई भी एक हाथ रिलेशनशिप में ऐसे रहता है कि जिनके साथ आपकी बहुत अच्छे से बनती है, तो ऐसी कोई भी हरकत अगर अनवांटेडली आपके साथ होती है तो ये चीजें आपको शेयर करनी है। ओके, अगर ये चीज आप शेयर करते हो तो जितने भी यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल है उनका ये काम है कि वो चीजें उनको किसके साथ शेयर करनी है? पुलिस के साथ। ओके, आप जिन बड़े लोगों को बताते हैं उन सारे बड़े लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी है? पुलिस को देनी है। ओके, सो पहले कैसा हुआ करता था कि बच्चों के साथ स्पेशली ऐसा माना जाता था कि बॉयज के साथ कुछ होता ही नहीं है, बट एक राइट स्टेटमेंट है ये कि बॉयज के साथ फिजिकल अब्यूज नहीं होता? होता है, यस और नो? होता है। ओके, तो बॉयज के साथ भी फिजिकल अब्यूज होता है, बट 2012 बिफोर 2012 इन इंडियन पीनल कोड आईपीसी जिसको हम लोग फॉलो करते हैं एज अ लॉ, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर फिजिकल अब्यूज होता है तो वो लड़कियों के साथ ही होता है, ऐसा सोचकर ही कानून बनाया गया था। लड़कों के साथ कोई फिजिकल अब्यूज होता है इसके लिए कोई भी सेक्शन वहां पे नहीं था, कोई भी पनिशमेंट वहां पे नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सारे एनजीओ मेंबर्स को लगा कि यार बच्चों के साथ जो चीजें होती है उसका इम्पैक्ट बच्चों के कहाँ होता है? दिमाग पे होता है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते फिर भी हमको बचपन की यादें याद आती है कि नहीं होती? अगर बचपन में किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे छप जाता है, उसका इम्पैक्ट पूरे लाइफ आपके साथ रहता है। एंड दैट्स व्हाई इन 2012 एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है पोक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। ओके, तो ये जो सेक्सुअल एक्ट के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया, इस लॉ में जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब व्हाट? ये दोनों के लिए बराबर है। ओके, चाहे अब्यूज लड़की हो चाहे लड़का हो, पनिशमेंट क्या है? इज इक्वल। पनिशमेंट क्या है? इज इक्वल है। ओके, सो दैट्स व्हाई 2012 के बाद ये बहुत अच्छा कानून आया है कि जिसके अंडर बच्चों को क्या मिल गया है? पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इसलिए बच्चों के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो बच्चों ने उसको छुपाना चाहिए? आप सबको लगता है ना कि हमको एक ऐसा सोसाइटी चाहिए कि जहाँ पे डर नाम की कोई भी चीज ना हो? या आपको अच्छा लगेगा कि आप डर डर के घर पे जा रहे हो, डर डर के स्कूल आ रहे हो, डर डर के ट्यूशन जा रहे हो, किसी से डरे हुए हो, अच्छा लगेगा? नहीं, तो डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, पूरी तरीके से फ्रीडम होना चाहिए, पूरी तरीके से बोलते ना ऐसा माहौल होना चाहिए जाने आने के लिए कि हमको फ्री लगे। ओके, सो दैट्स व्हाई ये पोक्सो एक्ट बनाया गया है। ओके, सो आपको करना यही है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत आपके साथ होती है तो ये सारी हरकतें आपको क्या करनी है? शेयर करनी। आप डरोगे इसके बाद? No. पक्का? Yes. Very good. Okay. अभी आप इतने भी छोटे नहीं हो कि जो अभी मैं बात कर रही हूँ वो बात आप लोग नहीं समझोगे। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes. सब लोग समझते हैं? Yes. अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है? कि आजकल जो सारी ये डिजिटल मीडिया हो गया है, मोबाइल है, टेलीविजन है, आप
आपके कंप्यूटर्स है ओके लैपटॉप से, इसकी वजह से बहुत सारी अनवांटेड चीजें आप लोग देख सकते हैं या अनवांटेड एडवर्टाइज आपके सामने आ जाती है। पहले कैसे होता था पुराने जमाने में, कोई अगर पुरानी मूवी चल रही है अगर रोमांटिक सीन उनको दिखाना है तो क्या होता था, एनीबॉडी? हाँ सॉन्ग्स होते थे, लेकिन अगर रोमांटिक सीन दिखाना है कोई रोमांटिक सीन तो सीधा रोमांटिक सीन दिखाते थे पहले जमाने में, किसिंग सीन या ऐसे सीधा होता था तो क्या दिखाते थे, फ्लावर्स, दो फ्लावर्स ऐसे आते थे, हाँ तो फ्लावर्स दिखाते थे ओके, दो फ्लावर्स क्या करते थे आजू बाजू में दिखाते थे ओके। बट कबीर सिंह कितने लोगों ने मूवी देखी है ओके, सो प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी चीजें क्या है आपके सामने आ जाती है ओके, विच इज नॉट राइट ओके। हर एक चीज का अपना अपना क्या है, एज है, क्या है, एज ओके। क्या कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को सीधा किस कर सकते हैं, नहीं, उसका क्या होता है, एक एज होता है ओके, उसका एक रिलेशनशिप होता है, उसी रिलेशनशिप में आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, अदरवाइज नो ओके। सो जो सारी गलत चीजें हम लोग देखते हैं ओके, जैसे ड्रग्स है बाकी सारी चीजें है, तो हम सबको केजीएफ नहीं बनना है, हाँ सर पटाख से जाके आ तो हमको वो सारी चीजें नहीं करनी है ओके। तो हमको करना क्या है कि हमको दिखाई दे रहा है लेकिन राइट और रॉन्ग हमको समझ में आता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इतना तो समझ में आता है सबको, बराबर की नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लाके दे दिया कि बेटा ये ले लो ओके, ये सिगरेट है और आप पियो, तो आप पियोगे, बिकॉज यू नो कि ये हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे एडिक्शन होता है तो ये अच्छी चीज नहीं है। वैसे ही मोबाइल में अनवांटेड चीजें आपको दिखाई देते हैं, अनवांटेड एडवर्टाइज दिखाई देते हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं जो आपको डाउनलोड नहीं करने हैं, जो आपको रिपीटेडली नहीं देखने हैं क्योंकि वो आपके एज के लिए नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंड? यस। आइंदा से मुझे आपके स्कूल से ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि बच्चे अनवांटेड वीडियोस देखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपके कहां पे प्रॉब्लम होता है ओके, क्योंकि आपका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप चीजों को समझो, गॉट इट? सो इशू यही होता है ओके। मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगी कि एज अ पुलिस इंस्पेक्टर हमको कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है ओके। बच्चा था मेरे ख्याल से कुछ 15 ईयर ओल्ड ओके, 14.5-15 साल का बच्चा था, अनवांटेडली उसके सामने जैसे कोई एडवर्टाइज वगैरह आता है ना, तो ऐसे वीडियोस आता है, तो एक वीडियो उससे गलती से डाउनलोड हो गया। सो बच्चे ने वो वीडियो देखने के बाद उसको आदत लग गई, तो रिपीटेडली उसने 4-5 बार वो वीडियो देखा है, somehow he feel कि ऐसा कुछ थ्रिलिंग करना चाहिए। आप सब लोग टीनेजर्स हैं ओके, आपको ऐसा ये कैसा होता है कि सब सारी चीजें न्यू ट्राई करने का ऐसा मन कर, ये भी करूं मैं वो भी करूं मैं, होता है कि नहीं होता, मैं पढ़ाई भी करूं मैं डांस भी करूं मैं सिंगिंग भी करूं, है कि नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ करूं, तो ये बहुत ऐसा ये फीलिंग होता है और ये आपका एज भी राइट है कि क्यों नहीं चीजें हमको ट्राई करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है ओके, प्रमोट करता है ये सारी चीजों के लिए। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि बच्चा लगभग 14.5-15 साल का था और उसने अनवांटेडली वीडियोस देख लिया था एंड समहाउ उसको लगा कि ये ट्राई करना चाहिए, बट वो किसी लड़की के साथ ये ट्राई नहीं कर सकता है, ऐसा नो, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी फ्रेंडली इस उम्र में नहीं होती, तो समहाउ कहीं ना कहीं बोथ पेरेंट्स वर्किंग थे और घर में उसकी एक छोटी बहन एंड गलती से उसने वीडियो में जो सारी हरकतें देखी वो सारी हरकतें उसने अपनी बहन के साथ की, फोर्सफुली की, रिपीटेडली की, एंड बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर फ्यू मंथ्स मम्मी को कुछ ऐसा ये लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एंड देन जब मम्मी ने उस लड़की का चेकअप करवाया एट दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। सो आपको सीरियसनेस समझ में आ गया, एवरीवन अंडरस्टैंड? सो बहुत बार ऐसा होता है और ये सारी चीजें हमको आपको बताना क्यों जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं ओके। यहाँ पे कुछ बड़े बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा समझदार है, जो शायद इन चीजों को समझ भी गए रहेंगे, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया रहेगा कि मैम क्या बोल रही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी चीज अनवांटेडली हमारे सामने आती है
अवॉइड करनी चाहिए. यू शुड से नो. आपको वो चीज डिलीट कर देनी चाहिए. गॉट इट? क्योंकि कोई भी बुरी चीज बार बार देखने से आपके दिमाग में असर होता है. एंड डेफिनेटली आपका दिमाग अभी इतना कैपेबल नहीं है कि राइट और रॉन्ग को समझ सके. तो एक्साइटमेंट में कि हमको वो करके देखना है, क्या है, सारी चीजें महसूस करनी है, उस एक्साइटमेंट के बीच में आपसे गलत प्रॉब्लम हो जाता है. अभी ऐसे केस में एक्यूज कौन बन गया? हु इज द एक्यूज? बॉय ना. जो भी 14 एंड हाफ ईयर का बॉय था वो उसमें एक्यूज है. यस और नो? यस. इसमें विक्टिम कौन है? वो छोटी लड़की. अभी प्रॉब्लम दोनों को हुआ? दोनों को हुआ कि नहीं? उसके अगेंस्ट भी केस फाइल हो गया, इसको भी मेडिकली प्रॉब्लम हो गया. फिर डेफिनेटली इसका असर कहाँ पे होता है? आपके करियर पे होता है, आपके फ्यूचर पे होता है. अंडरस्टैंड दैट? सो ये चीजें इतनी छोटी उम्र में आपको क्यों समझाना जरूरी है? क्योंकि हर बार आपके सारे दोस्त आपके एज के नहीं होते. समटाइम आपसे भी थोड़े बड़े बच्चे आपके क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं. है कि नहीं? कोई भी बड़ी दीदी है, बड़ा भैया है, वो आपका दोस्त हो सकता है. हो सकता है कि नहीं? एंड अनवांटेडली वो जो लोग करते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि उनके घर में जो उनकी बहन का लड़का था वो बड़ा था, उसका देख के उनके बेटे ने क्या किया? इंस्टाग्राम डाउनलोड किया. तो वैसे ही बड़ा भैया जो कर रहा है वो देख के आपको भी लगता है कि मैं भी ट्राई करूंगा. होता है कि नहीं? जैसे हमारे कोई बड़े फ्रेंड्स है वो जो करते हैं वो देख के हमको लगता है कि हमको ट्राई करना चाहिए. ओके, अभी समझो मैं मेकअप कर रही हूँ, मेरी छोटी बेटी मुझे देखती है, तो मेरे जाने के बाद वो क्या करती है? वही मेकअप बॉक्स लेके उसका भी चलता. इट्स अ फैक्ट ना. वही चीज हम लोग क्या करते हैं? ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है. बट शी इज 7 ईयर ओल्ड गर्ल, तो वो समझ सकती है सही और गलत. बट यू आर 13-14, यू बोथ आर अंडरस्टैंड. एटलीस्ट यू नो ना कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. इतना तो आप लोग समझ सकते हो. तो आज के सेशन में अगर आप इतना भी समझ गए कि सही क्या है और गलत क्या है और हमको कौन सी चीजों को फॉलो करना है, डेफिनेटली एक गलत मूव आपके पूरे करियर को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है. ओके, बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, बच्चे होशियार होते हैं, हर एक चीज में सही होते हैं, बट एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं उनको क्या कर सकता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो थिंक ट्वाइस. कोई भी हरकत करने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचो कि ये सही है कि गलत है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आस्क योर पेरेंट्स. बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, देखो मेरा भी बेटा जो है वो 13 साल का है, तो बहुत ऐसे वर्ड्स हैं नए नए होते हैं. कोई बड़ा बच्चा उसको कुछ तो गलत बोल दिया स्कूल में, वो आके उसके डैड को पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है. उसके डैड ने ऐसे हाथ लगाए. अभी मैं बेटे को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो बड़े बच्चों के वर्ड्स हैं वो छोटे बच्चे नहीं समझ सकते, बराबर कि नहीं? तो अभी छोटे बच्चों को जब हम लोग एक्सप्लेन करने जाते हैं तो हमारे लिए कोई वर्ड्स ही नहीं रहते. हम लोग उनको कैसे समझाएंगे कि ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें एक एज में करने की चीजें हैं, एक एज में देखने की चीजें हैं, वो सारी हरकतें अभी नहीं है. अभी हमको सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन में रहना है और फोकस रहना है. ओके, और फोकस रहकर सोच रहे कि हमको लाइफ में आगे क्या करना है. ओके, होप एवरीवन अंडरस्टैंड दैट. आज आपको 3 टॉपिक यहाँ पे अलग अलग सीखने को मिले. नंबर 1 साइबर क्राइम. एवरीवन अंडरस्टैंड साइबर क्राइम में सबसे आपके जो बच्चे होते हैं ये उम्र के, फेक अकाउंट बनाना. ओके, गलती से फेक अकाउंट बनाते हैं, सारी चीजें फेक डाल देते हैं. फेक अकाउंट से क्या करते हैं? किसी उनकी पहचान वाली गर्ल है, किसी को क्या करेंगे? रिक्वेस्ट डालेंगे. उसके साथ अगर आपने कुछ भी गलत किया, कुछ भी गलत बोला, तो भी अकॉर्डिंग टू द अंडर आईपीसी सेक्शन आप लोग वो उसके लिए क्या है? पनिशेबल है. ओके, सो बी केयरफुल. जब आप कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई डिजिटल चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, बी केयरफुल कि वहां से क्या होता है? क्राइम होता है. ओके, सो जो चीज आपको नहीं पता है, जो चीज आपको बिल्कुल भी, जो लिंक आपको नहीं पता है, वो सारी चीजें आपको ओपन नहीं करनी है. गलत चीजों पे आपको क्लिक नहीं करनी है. एवरीवन अंडरस्टैंड? यस. लास्ट, सब जगह है ना, सुहाग जी ने कोई भाई. ओके, देन उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ड्रग्स का था. अच्छा, ये टॉपिक आपको बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज है कि जो आप
आप तक आकर पहुंच गई इजीली। ओके, आपको समझ में नहीं आएगा इट्स इन चॉकलेट फॉर्म आल्सो। ओके, चॉकलेट फॉर्म में आती है, केक फॉर्म में आती है, ओके, अलग अलग स्मेल फॉर्म में आती है। तो ये आपको नहीं समझ में आता है कि ये सारा क्या है, ड्रग्स है। इफ एनीबॉडी ऑफर यू कि जिसका बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, ओके, या कोई चीज खाने के बाद आपको थोड़ा सा फील लाइक अ ड्राउजी, ओके, ऐसी कोई चीज आपको कोई देने की कोशिश कर रहा है, तो इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। एंड अगर ऐसा आपके आजू बाजू में हो रहा है तो डेफिनेटली आपको किसको बताना है, टीचर्स को इन्फॉर्म करना है। ओके, क्योंकि मोस्टली ये चीजें घर में नहीं होती, जब आप स्कूल में आते हैं या फिर ट्यूशन जाते हैं तो आते जाते टाइम में ये होता है, तो एट दैट टाइम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके टीचर्स के साथ शेयर करनी जरूरी है। अदरवाइज बीट ऑफिसर्स है, पुलिस दीदी है, पुलिस दादा है, किसी के भी साथ आप क्या कर सकते हैं, इन इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, सो सेक्सुअल हरासमेंट कहीं पर भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब भी आपके साथ होती है तो आपके जितने भी बड़े लोग हैं उनके साथ आपको वो शेयर करना जरूरी है। ओके, बिल्कुल भी शांत नहीं रहना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके पूरे लाइफ होने वाला है, अंडरस्टैंड। तो अगर कुछ भी गलत आपके साथ होता है तो वो सारी चीजें आपको शेयर करनी है। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड? यस। लास्ट? यस। वेरी गुड। एनी क्वेश्चन? नो का मतलब होता है एक तो मुझे सब समझ में आ गया, या सेकेंड मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। दोनों में से क्या है? सब समझ में आ गया। पक्का? यस। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, एनी एनी, नॉट रिलेटेड टू दिस, एनी, चलो कुछ भी, ड्यूरिंग लेक्चर कुछ भी दिमाग में आया हो, एक घंटे से आप बैठे हो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आया रहेगा ना। बच्चों के पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टीचर्स बोलते हैं, कम ऑन। यस, ये क्वेश्चन मुझे काफी टाइम से था और मैंने काफी लोगों को पूछा भी है, बट ये क्वेश्चन द आंसर कि हमें नहीं पता। एक वो गर्ल है, शॉर्ट है, और कोई भी आके लड़की को बोलेगा तू अच्छे कपड़े पहन, माहौल ठीक नहीं है, लड़का तुझे गलत लगता है, why you don't go and say वो लड़के को कि तू उस लड़के को उस नजर से मत देख। ये चीज पे मुझे थोड़ा एक पॉइंट लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत उसे मेरे पेरेंट्स, यू आर इन व्हिच स्टैंडर्ड डियर? 8 स्टैंडर्ड। लोगों ने मुझे खूब बोला है, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई भी कपड़े पहन, बट पीपल वाज लाइक एरिया से कि ये मत पहन। आई लाइक मेरे को जो पहनना है वो पहनूंगी ना, तुमको क्या करना है। तो ये कैन वेयर नो इशू। ओके, चलो इसका आंसर हम लोग आज उसको दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को पूछा ना, अब तक किसी ने आंसर नहीं दिया आपको। ओके, एवरीवन नो, तो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं कि नहीं? Yes. तो सोसाइटी जैसे हमारा डिसिप्लिन है वैसे अलग अलग, देखो हम सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा। डिसिप्लिन कौन फॉलो करता है सोसाइटी में? डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कौन हेल्प करता है, कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प करता है, कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प करता है? पुलिस डिपार्टमेंट, है कि नहीं? अगर पुलिस डिपार्टमेंट ना हो तो डिसिप्लिन होगा? ट्रैफिक रूल फॉलो होगा? लोग कहीं से भी लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं से भी जाएंगे तो पूरा ट्रैफिक चलेगा, है कि नहीं? तो हर एक जगह पे क्या है, अलग अलग टाइप का डिसिप्लिन है। स्कूल में आप कैसे भी आ सकते हो? डिसिप्लिन में आते हो? आते हो ना डिसिप्लिन में? या फिर चलता है भाई कैसे भी आगे उत्तर हो रहा, कैसे भी हेयर कर ले, काले नीले पीले हरे, नहीं ना ऐसा होता है? नहीं ना, प्रॉपर आपका कट होता है, प्रॉपर एवरीथिंग है ना, दो छोटी वगैरह एवरीथिंग, तो आप डिसिप्लिन में आते हो। सो लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लेकिन जब हम लोग ये सारा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं एट दैट टाइम, जब हमको स्कूल में ये सारी चीजें सिखाते हैं, तो जो न्यू जनरेशन है उनको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली बॉय। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? बॉयज से रिलेटेड। ओके, अब मुझे बताओ कि ये राइट है कि रॉन्ग है, क्या वो पहन सकती है कुछ भी जो उसको चाहिए? मैं बॉयज से पूछा, बॉयज पहन सकती है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज शॉर्ट्स पहनते हैं, बॉयज कबड्डी खेलते हैं, शॉर्ट्स पहन के बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, गर्ल्स भी खेलती है, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ पे होता है?
सोच थॉट ओके हमारा थॉट प्रोसेस में क्या है प्रॉब्लम है इफ न्यू जनरेशन का थॉट प्रोसेस ही अगर अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा अगर टीचर्स आपको इक्वालिटी सिखा देंगे अगर टीचर आपको जेंडर इक्वालिटी का मतलब समझा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के ये प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा ये इसके लिए है क्योंकि अभी भी कुछ बड़े बूढ़े लोग अभी भी बचे हुए हैं है कि वो उनका जनरेशन चला जाएगा तो डेफिनेटली जो हमारे जनरेशन के हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचते हैं कि इसने ये पहनना चाहिए उसने वो पहनना चाहिए जिसको जो चाहिए वो चीजें पहनना चाहिए हमारा प्रॉब्लम कहाँ से चालू होता है थॉट ओके अच्छी चीजों देखने को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट द थॉट इज इम्पोर्टेंट अगर इनके थॉट्स बच्चों के मेरे अच्छे हैं ओके मेरे सारे बॉयज डिसिप्लिन में है दे नो वेरी वेल जैसे मैंने आज भी समझाया कि गलत चीजें सभी ने नहीं की है यहाँ पे जितने भी 10th स्टैंडर्ड बॉयज है मोस्ट ऑफ दी सबने वीडियोज देखी होंगे ओके उसके लिए मुझे कोई शंका नहीं कि मेरे बॉयज ने ये देखा हुआ नहीं बट मैंने उनको क्या समझाया डिसिप्लिन देखना बुरी बात नहीं है या गलती से देखना बुरी बात नहीं चलो आ गया गलती से ऐड आ गई गलती से कुछ हो गया डाउनलोड हो गया देख लिया बट वो करना या करने के लिए कोशिश करना इट्स रॉन्ग ओके सो थॉट में प्रॉब्लम देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपने सोच गलत रखी तो प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कि जो तुम्हारे जनरेशन के है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं तब तक तुमको भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है एनीबॉडी एल्स एक लेडीज के हिसाब से मैडम ने बता दिया कोई दिक्कत नहीं है एक लेडीज ने एक लेडीज को सवाल पूछा तो लेडीज ने लेडीज को लेडीज के एंगल से बता दिया वेस्टर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज गुड बट वेयर एंड वेयर इज द मेन क्वेश्चन आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेस्टर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी हमारा वेस्टर्नाइजेशन होना ठीक है लेकिन वो कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए सबसे ज्यादा आपको बोला जाता है कि आपने शॉर्ट पहनी है माहौल ठीक नहीं है आप दूसरा कपड़ा पहना बराबर लेकिन आपने शॉर्ट कब पहनी है और किस जगह पे पहनी है ये मैटर करता है 10 लोगों के बीच में अगर कोई एक है जो अपने सर पे टोपी पहन के विदुषक के जैसा रहेगा तो इट्स एन इनडायरेक्ट इन्विटेशन टू अदर्स टू अट्रैक्ट दी उसका आपकी तरफ जो ध्यान आकर्षित करने का तरीका है वो मैटर करता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सवाल पूछा था वो गलत है ये आपने सबके लिए पूछा है और ये आपने सबके लिए बोला है मैंने मेरा स्पीच चालू होने से पहले क्या ख़त्म होने के बाद और मैडम का स्पीच चालू होने से पहले बोला था कि लड़की लोग ध्यान से सुने और लड़के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सुने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भूली है कि सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है वैसे ही हमारे क्लासमेट्स की हमारे फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर है ध्यान से इसलिए बोला कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है यह टीचर आपको बताएगी मैडम आपको बताएगी तो इसके ऊपर ध्यान दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है किस तरीके से है अगर हम शॉर्ट्स इंग्लैंड में जाके पहनते हैं शॉर्ट्स बांग्ला में जाके पहनते हैं तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप शॉर्ट्स मत पहनो क्योंकि आपके आजूबाजू में 100 लोग हैं जो शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो हर जगह पे है वो आपको अकेले को नहीं देखेंगे आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे लेकिन वही चीज़ आप इस स्कूल में शॉर्ट पहन के आती है और आपकी 10 फ्रेंड्स पंजाबी ड्रेस में आती है तो इसी स्कूल के 10 लड़के जिनकी सोच एकदम बोल्ड है वो आपको उस एंगल से नहीं देखेंगे लेकिन उसी स्कूल के कुछ 10 लोग हैं जिनकी सोच अलग है वो आपको उस एंगल से देखेंगे आप शॉर्ट पहनो कोई दिक्कत नहीं लेकिन किस जगह पे पहननी चाहिए और किस माहौल में पहननी चाहिए इस चीज़ को मैटर करते हैं समझे मैंने नेगेटिव नहीं बताया पॉजिटिव बताया है नेगेटिव मत ले ठीक है शॉर्ट्स पहनना क्या अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि ये वायर का बोर्ड है और यहाँ पे हाथ लगाना मना है फिर भी हम हाथ लगा रहे हैं मतलब हम इन्विटेशन दे रहे हैं कि हाँ मुझे शॉक लगना चाहिए बराबर है ना वो इन्विटेशन नहीं देना है हम जब इनवाइट करते हैं किसी को तो अपने घर पे मेहमान आता है
हम घर पे खाना नहीं रखेंगे, इनविटेशन नहीं देंगे तो घर पे मेहमान नहीं आता है। तो हमें इनविटेशन नहीं देना है। आप पार्टी में जाती हो, फैमिली के साथ जा रही हो, आप ऑब्वियसली जो चाहे पहन सकते हो, लेकिन आपको अकेले घूमना है, सेफ घूमना है, और आज का जो माहौल है उस माहौल में घूमना है, तो आपको अलॉन्ग विथ सोसाइटी चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि हम हर एक को जाके बता नहीं सकते कि क्यों तू उसको देख रहा है, चल देख चाहता मार दूँ। और आप कितने लोगों के साथ झगड़ा करोगे, आई वॉन्ट दिस एंड व्हाई यू सीइंग मी, आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, ठीक है। कैमोफ्लेज नाम का कंसेप्ट है, आर्मी में होता है, पुलिस में होता है। वो कैमोफ्लेज नाम का कंसेप्ट क्या है मालूम है क्या? मालूम है कैमोफ्लेज नाम का कंसेप्ट? शैमिलियन नाम सुना है? शैमिलियन एक रेप्टाइल है, नाम सुना है शैमिलियन? नहीं सुना है? साइंस में है शैमिलियन, शैमिलियन शैमिलियन ऐसा बोलते हैं। यस एवरीवन नोज, मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगा। एक ऐसा रेप्टाइल है जो अपना कलर जिस जगह पे जाएगा उस कलर से मैच करता है, उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। कि हमारा दुश्मन हमें पहचान नहीं सकने, हमारे दुश्मन को हम दिखने नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, ग्रीन जगह पे जाएगा तो ग्रीन कलर अडॉप्ट करेगा, येलो जगह पे जाएगा तो येलो कलर अडॉप्ट करेगा। इसको कहते हैं एडेप्टेशन। ये बायोलॉजी कंसेप्ट है, बायोलॉजी जीवशास्त्र उसकी कंसेप्ट है। उसमें एडेप्टेशन नाम पर ये बताया गया है कि हमें उस माहौल में ढल जाना है जो माहौल हमें सूट नहीं है, लेकिन उसको हमको सूट करके लेना है। बहुत सारी जगह हम ऐसे ऐसे प्लांटेशन, जो एप्पल है वो कश्मीर में आते हैं, बराबर है। कुछ फूल है, कुछ पौधे हैं जो सर्टन जगह पे आते हैं, हर जगह पे नहीं आते हैं। तो हमें उस एप्पल के पेड़ के जैसे रहना है, हमें उस जगह पे वो पेड़ लगाना है, जगह पे लगाना चाहिए। हर जगह हम एप्पल का पेड़ लगा सकते हैं क्या? है क्या? नाला समारा में एप्पल का पेड़ है क्या? विरार में है क्या? वसई में है क्या? नहीं है। कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, उस चीज़ को एडॉप्ट करो, उस चीज़ से आगे बढ़ो। सोसाइटी के साथ चलो तो हमें तकलीफ नहीं होगी, सोसाइटी से ज़्यादा फॉरवर्ड भी हो जाओगे या पीछे भी रह जाओगे तो तकलीफ होगी। फॉरवर्ड रहना है, कहाँ पर रहना है? जिसका NIIT में लगाना है मेरा IIT में लगना चाहिए, उसका VJTI में लगाना तो मेरा सरदार पटेल में लगना चाहिए। ये सब कॉलेज के नाम है, मालूम है सबको? मालूम है, ठीक है ना। मैं बिट्स प्लानिंग में कर रहा है ना, तो मैं इससे आगे जाके करूँगी, इससे आगे जाके करूँगा। वो IPS बना, ठीक है, मैं भी IAS का टैग लगाऊंगी। वो MBBS डॉक्टर बनी, मैं MS सर्जन बनी, न्यूरो सर्जन बनी। ये सब सोच होनी चाहिए। हमारी सोच हमें आगे लेके जाती है, एक जगह पे लेके जाती है। मैंने वापस से बोला है, सोच को अपनी तरह मोल्ड करो, सोच की तरह हम मोल्ड नहीं होना चाहते, ठीक है, समझे सर? ठीक है, इसको भी निगेटिव